गंगा और जमुना दो बहनों की कहानी। प्राचीन समय में एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन का नाम गंगा था और दूसरी बहन का नाम जमुना था। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से होकर गुजर रही थीं, तो यमुना ने जौ के 13 दाने तोड़ लिए। यह देखकर गंगा ने कहा कि तुझे तो ग्रहण लग गया, तूने चोरी की है। इस पर जमुना ने पूछा, अब मेरा ये ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा कि तुझे 12 साल तक साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा पाप धुल पाएगा और तुझे इस ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तो जमुना उस साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और अपने लिए काम मांगती है। लेकिन काम करने से पहले जमुना कहती है कि मैं घर के सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। तो साहूकार ने कहा, 4 काम नहीं करोगी? मतलब? अच्छा, बताओ कौन कौन से 4 काम हैं जो तुम नहीं करोगी? तो जमुना ने कहा, पहला, मैं झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी। दूसरा, झाड़ू नहीं लगाऊंगी। तीसरा, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी। और चौथा, दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने कहा ठीक है और उसे काम पर रख लिया। इसी तरह काम करते हुए यमुना को 12 वर्ष बीत जाते हैं। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है, तो साहूकारनी भी कुंभ नहाने जाने लगती है। जमुना ने उसे जाते देखकर उससे कहा कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी, तो उसे यह 1 सोने का टका दे देना। इससे वह अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने कुंभ के मेले में गंगा को वह 1 सोने का टका दे दिया। गंगा ने उनसे वह टका लेते हुए कहा कि जाकर मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष अब पूरे हो गए हैं, अब वह यहाँ वापस आ जाए। साहूकार और साहूकारनी घर वापस आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। दोनों जमुना से बोले कि हमने 1 सोने का टका तेरी बहन को दे दिया था और उसने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए तुम वापस आ जाओ। यह समाचार सुनते ही जमुना सहस्रधारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हे भगवान, हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, हमें तो अब ग्रहण लग गया, हम यह ग्रहण कैसे उतारेंगे? जमुना भागकर गंगा के पास चली गई। गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही बिना बताए आ गई हो? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई हूँ। गंगा ने कहा कि जा उन्हें धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष ही रहेगा। गंगा के कहने पर जमुना ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों ऐसे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तब दोनों बोले, हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे कराए हैं। तब जमुना जी बोली कि तुम्हें ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था कि मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष तक रहने से उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। जमुना जी ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, उल्टे मेरे 12 वर्ष तक यहाँ रहने से तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर यमुना जी सपने से चली गईं। उसके बाद जब साहूकार और साहूकारनी की आंखें खुलती हैं,
तो देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों की करना। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।